हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमें शादी किसके साथ करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए और क्या सोच के हमें शादी करनी चाहिए। देखिए, शादी एक ऐसा बंधन है जहाँ पे दो लोग आपस में एक साथ रहते हैं, एक साथ अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं और जो भी सुख दुख होते हैं उन्हें साथ में ही निभाने पड़ते हैं साथ। और जो भी सुख दुख आते हैं ज़िंदगी में, है ना, दो अलग अलग टाइप के लोग, मतलब अलग अलग व्यवहार है उनका, अलग अलग जगह परवरिश हुई है उनकी, वो दो लोग आके एक साथ रहते हैं, एक साथ अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। तो शादी बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का फैसला होता है। पूरी ज़िंदगी इस इंसान के साथ रहना चाहेंगे कि जो आपसे बिल्कुल ही हटके हो या जो अलग सोचता हो। देखिए, ये मैं मान सकती हूँ कि जैसा होता है कुछ खामियाँ इसमें हैं, कुछ वही अच्छाई दूसरे में होती हैं, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है या वहाँ पे तो चीज़ें चल जाती हैं। जहाँ पर ऐसा होता है, मान लीजिए अब जैसे किसी को पैसा खर्चना बहुत अच्छा लगता है या किसी को ज़्यादा पैसे खर्च करने का शौक है, किसी को कंजूसी करने का शौक है, तो वहाँ पे चीज़ें चल जाती हैं। आपकी जो हैबिट्स है वो एक बार को चेंज हो सकती है, हैबिट्स नहीं मिलती वो बात हो सकती है, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहें जिसकी सोच अलग हो और आपकी सोच अलग हो तो वहाँ पे दिक्कत आने, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जो शादी है वो बहुत बड़ा एक झेल झेलना बन जाता है। और देखिए, इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप शादी करते हैं तो फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग होती है, तो अगर आपकी ही नहीं आपस में बन रही है या आप दोनों की ही सोच नहीं मिल रही है, तो सोचिए आप बच्चों को क्या गाइडेंस करेंगे, बच्चों को क्या बात बताएंगे या बच्चों को कैसे संस्कार देंगे। तो शादी एक ऐसा नहीं है कि सामाजिक महोत्सव है कि बस हमने बस देखा और ठीक है हाँ कर दिया और शादी कर ली, अब हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है। नहीं, शादी आपको ऐसे इंसान से करनी चाहिए और बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए और हो सके तो टाइम लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए जब हम शादी करते हैं तो सामने वाला जो इंसान है वो अपना अच्छा ही प्रेजेंट करता है ना, और आप लोग भी जो भी आपस में, मानी लड़की है तो लड़की भी अपनी चीज़ें अच्छी अच्छी प्रेजेंट करती है, ऐसा है वैसा है, ये अच्छा है, ये क्वालिटीज़ है, और वहीं लड़का भी अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ ही प्रेजेंट करता है। बट जब कहते हैं ना, जब आप जिसके साथ रहो तब आपको चीज़ें पता चलती है, तब पता चलता है कि यार ये इंसान ऐसा है ना। तो आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम थोड़ा सा टाइम देते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, क्या हम इसके साथ रह पाएंगे, क्या हम इसके साथ रह नहीं पाएंगे। क्योंकि जो शादी होती है, देखिए शादी बहुत बड़ा डिसीज़न है, मुझे ऐसा लगता है कि शादी ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीज़न है जिसको कि बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। किसी की राय के अनुसार चल के, या किसी ने आपको बोला है या किसी ने आपको बोला कि नहीं इससे करनी है, वहाँ पे देखिए क्या होता है कि आप और वो इंसान अगर ढंग से नहीं रह रहे हैं, मान लीजिए आपकी शादी और आपके फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं यहीं करनी है या इसी से करनी है, तो वहाँ पर मान लीजिए आपकी नहीं बन रही है या आप, तो वहाँ पर चीज़ें क्या होगा, आपके लिए भी परेशानी है और उस लड़की के लिए भी परेशानी है ना, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए, फैमिली वालों के लिए शायद हो ना हो, लेकिन जब एक आपस में दो इंसानों की नहीं बनती है तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाती है। और जो हमारा समाज है वो एकदम से होता है ना कि हम एकदम से उस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते, या फिर हम कहते हैं कि और हम सहते रहते हैं ना शादी में रह के, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम सेक्रीफाइस करते रहते हैं कि ठीक है, क्योंकि हम उसको अपनी लाइफ मान लेते हैं, हमें लगता है कि बस अब यही मैं। तो मैं आज आपको ये बोलने वाली हूँ कि शादी ऐसे इंसान से कीजिए जिसके साथ आप ज़िंदगी बिता सकें, रह सकें, और आप दोनों का जो होता है ना, जो एक लड़के एक लड़की के जो सोच होती है, जो आप लोग करना चाहते हैं आगे ज़िंदगी में, और कुछ होता है ना जैसे मेरा मोटिव कुछ है, किसी और का मोटिव कुछ है, ज़िंदगी जीने का मेरा तरीका अलग है, किसी और का तरीका अलग है, तो वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, है ना। अब लड़की है, मान लीजिए लड़की ओपन माइंडेड है कि मुझे घूमना खाना पीना और बाहर जाने का शौक है, लेकिन वहीं पर लड़का है जिसको नहीं है, जो चाहता है कि घर में रहो, तो वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अपने जैसा, है ना, हैबिट अलग अलग है कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने जैसा ही साथी चुनना है, इसलिए बोलते हैं जीवन साथी, क्योंकि जीवन आपको उसी इंसान के साथ बिताना है। कोई और किसी के बोलने से, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए एट द लास्ट में हस्बैंड और वाइफ को ही घर चलाना होता है, हस्बैंड और वाइफ को ही अपनी ज़िंदगी को देखना पड़ता है, कोई भी अनदर पर्सन, कोई भी बाहर का पर्सन उस चीज़ को ठीक नहीं करने आता है ना। ये हमें लगता है कि हम अगर ऐसे शादी करेंगे या वैसे शादी करेंगे जैसा भी, तो रिश्तेदार या घर वाले हमारा साथ देंगे, साथ कोई किसी का नहीं देता,
फिर ऐसा ही हो जाता है कि आप देख लो या बेटा इस चीज़ की कोई भी, आपको मान लीजिए आपके आपस के रिलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप दोनों को ही सुधारना होगा, है ना। जहाँ पे एक हस्बैंड और एक वाइफ है जो है, चाहे बच्चों के लेकर हो चाहे खुद को लेकर हो, आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, खुद ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक ऐसे पार्टनर के साथ शादी करें, एक ऐसे जीवन साथी को चुनें कि जो आपके लिए कई हद तक आपके जैसा हो, आपके जैसी सोच रखता हो, उसके जो जो उसके जीने का तरीका है वो आपके जैसा हो। तो वहाँ पर बहुत सारी आप एक होता है ना, ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है, और नहीं तो वो ज़िंदगी झेल बन जाती है। जैसा होता है ना, झेलना आया मुझे, तो आप सोचिए अगर आपकी ज़िंदगी झेलने वाली बन जाएगी तो क्या आप खुश रहेंगे, क्या आप उसको खुश कर पाएंगे, और क्या आप अपने परिवार वाले को खुश कर पाएंगे। तो शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न है जिसको सोच समझ के लीजिएगा, और किससे करनी है मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो आज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।